अमनौर थाना क्षेत्र के जवाहर बाग अमनौर के सुप्रसिद्ध सर्वोदय मेले में नवरात्रि के कलश स्थापना और दुर्गा पूजन को लेकर बुधवार के दिन मिट्टी कोराई और जलभरी यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों महिला और पुरुष पीले वस्त्र परिधान में सुसज्जित होकर जलभरी में शामिल हुई। जलभरी यात्रा सर्वोदय मेला अमनौर बाजार गोसी अमनौर धोबाही होते हुए परशुराम के नारायणी गंडक नदी के तट पर पहुंचे, जहां आचार्य सुनील शास्त्री और अरविंद तिवारी ने मंत्रोच्चारण के साथ गंगा पूजन करा। इसके बाद गंगा की मिट्टी और पानी कलश से लेकर सभी श्रद्धालु भक्त वापस पूजा स्थल पर लौटे, जहां मेला सचिव तेज प्रताप सिंह और फनमोल ने बताया कि सर्वोदय मेले का आयोजन देश की आजादी के पहले होता रहा है। मेला में माँ के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जलभरी यात्रा की गई है, जिसमें सैकड़ों महिलाएं पुरुष के साथ नारायणी नदी में जलभरी की गई और हर साल से बेहतर आज इस साल किया गया है। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा नाम अनमोल सिंह उर्फ तेज प्रताप नारायण सिंह, सर्वोदय मेला सचिव।